जिनेन, मैं दीपिका जैन जैन धार्मिक चैनल से आप सभी को विदित है कि जैन धार्मिक चैनल पर जैन धार्मिक संगीत का आयोजन किया गया, जैसे कि प्रथम वर्ग से टॉप 4 बच्चों से आपको मिलवाया गया था, वैसे ही आज हम द्वितीय वर्ग से टॉप 4 प्रतिभागियों से मिलवाते हैं, जिसमें कि पलक जैन गंज वासोदा से, नेहा जैन सिरोन से, मानसी जैन मुंबई से और सजल जैन चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। तो आइए हम जानते हैं उन प्रतिभागियों से उनके बारे में तथा उन्हें जैन धार्मिक संगीत में भाग लेकर कैसा लगा। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं जैन धार्मिक चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस कठिन समय में लॉकडाउन के टाइम पे भी इतनी बढ़िया प्रतियोगिता का आयोजन किया और हमें मौका दिया कि हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। मैं आशा करती हूँ कि जैन धार्मिक चैनल इसी तरह आगे भी जैन समाज की नई नई प्रतिभाओं को मौका दे कि वो आके इतने बड़े मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। संगीत का शौक़ मुझे बचपन से ही रहा है। वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपके खून में होती है, तो मेरा ननिहाल परिवार शुरू से ही गीत संगीत से बहुत जुड़ा हुआ रहा है। मेरी नानी जो थी वो एक कथक नृत्यांगना थी, मेरी माँ एक भवाई नृत्यांगना है एवं सितार वादक है, मेरी बहन जो है उसने 12 साल भरतनाट्यम सीखा है और अपना आरंगेत्रम पूरा किया है। मैंने मेरे संगीत की विधिवत शिक्षा मेरे गुरु पारस जी जैन से ली है एवं 3 साल की परीक्षा मैंने गांधर्व यूनिवर्सिटी से पूरी की है। तो इसी तरह मैं अपने संगीत का सफ़र तय करती आई हूँ और आज आप देख सकते हैं कि जैन धार्मिक चैनल जैसे बड़े मंच पर मैं आज टॉप 4 में हूँ। तो मैं बस कमेटी के सभी मेंबर्स से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मुझे और बाकी सब कंटेस्टेंट्स को इतना मौका दिया और अपनी कला का प्रदर्शन करने दिया। धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं श्री तारण तरण गुरु महाराज एवं 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में बारंबार नमन करती हूँ। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में चल रही इस कोरोना महामारी के चलते जैन धार्मिक न्यूज़ चैनल टीवी ने हमें धर्म से जोड़ रखा है। हमारी गायन की रुचि व हमारी प्रतिभा को महत्व देते हुए उसे आगे बढ़ाया है, जिसमें 1st राउंड से लेकर 5th राउंड तक प्रतियोगिता चली, जिसमें प्रत्येक वर्ग के प्रतियोगियों का चयन किया गया और मैं यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं टॉप 4 में सेलेक्ट हो गई हूँ। मुझे बचपन से ही साज संगीत में अति रुचि रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है संगीत गाना और मुझे बहुत ही मतलब मेरा प्रिय है, तथा मैंने गायकी के साथ साथ कोंगो कला का भी प्रयास किया है, जिसका परिणाम बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। कोंगो मैंने कभी सीखा नहीं है, यह मेरा प्रयास या ये कहूँ कि यह मेरे लिए एक वरदान है मेरे लिए। ऐसे ही फिर मैंने धीरे धीरे गायकी को आगे बढ़ाया, प्रतियोगिताओं में मैंने पार्टिसिपेट किया है और मैंने 1st स्थान भी प्राप्त किया है एवं श्री तारण तरण गुरु महाराज स्थली एवं पावन तपभूमि अतिशय क्षेत्र श्री सेमरखेड़ी जी में एवं स्रोंज नगरी में मुझे गायन प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ एवं इन सभी में मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मुझे हमेशा इन्होंने आगे बढ़ाया है, मुझे हमेशा इनका बहुत बड़ा हर चीज़ में योगदान रहा है कि मैं आगे बढ़ूं और मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूं बहुत ही दिल से। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं हमारे इस जैन धार्मिक न्यूज़ चैनल के संचालक एडिटर एवं निर्णायक जी का कि उन्होंने हमारे सुरों को ध्यान रखते हुए हमारी प्रतिभा और हमारी रुचि को ध्यान रखते हुए हमें इस गायन में आगे बढ़ाया है, हमारे इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ाया है। हम बहुत मतलब जिससे हम टॉप 4 में सिलेक्ट हो गए हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि वो भविष्य में भी बहुत अच्छी अच्छी प्रतियोगिता कराते रहेंगे, हमारा ऐसे ही उत्साह वर्धित करते रहेंगे। तो उन सभी को मैं धन्यवाद कहती हूँ, धन्यवाद सभी लोगों को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं सजल जैन चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। कोरोना नामक इस महामारी के दौर में जब हम सभी लोग धर्म मार्ग से विचलित हो रहे थे, तब इस जैन धार्मिक चैनल ने इस प्रतियोगिता का आयोजन कर हमें इन विकट परिस्थितियों में भी धर्म मार्ग में बनाए रखा। इसीलिए मैं इस ग्रुप का
इस प्रतियोगिता के संचालनकर्ता का, निर्णायक गणों का एवं मेरे प्रतियोगियों का आभार व्यक्त करती हूँ। यह प्रतियोगिता मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से मैं अपने अंदर छुपे एक छोटे से कलाकार को पहचान पाई हूँ। इसीलिए मैं इस ग्रुप को धन्यवाद देती हूँ एवं उम्मीद करती हूँ कि मुझे भविष्य में भी ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जय जिनी। जय जिनेन्द्र। मैं पलक जैन, गंज वासुदा से। सर्वप्रथम मैं श्री 108 अवधि ज्ञानी तारंतरण मंडलाचार्य महाराज के चरणों में बारंबार नमन करती हूँ। आप देख रहे हैं जैन धार्मिक चैनल। सबसे पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैन धार्मिक चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके कारण मुझे संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। मैं जैन धार्मिक चैनल एवं जैन धार्मिक संगीत प्रतियोगिता के संचालक, एडिटर एवं निर्णायकों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे भजनों को इतने ध्यान से सुनकर मुझे टॉप 4 में स्थान दिया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे इतने प्रतियोगियों में से टॉप 4 में स्थान मिला। मेरी संगीत में रुचि काफ़ी पहले से ही है। संगीत के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित मुझे मेरे मम्मी और मेरे पापा करते हैं। संगीत मैंने सीखा नहीं है, ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। मुझे गंज वासुदा की समाज, मोरछली चैत्यालय एवं बीच के चैत्यालय में हर प्रोग्राम में गाने का मौका ज़रूर देती है, जिसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे लिए मेरी प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी है, जो मुझे हर प्रतियोगिता में पार्ट लेने के लिए प्रेरित करती है। मेरी आवाज़ को सुना श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी आत्मानंद महाराज जी ने, जिन्होंने मुझे तारण त्रिवेणी के पद्धानुवाद को मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड करने का अवसर दिया, जो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। इसी के बाद मेरे भाई ने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया और YouTube पर मेरा चैनल बनाया पलकों से जिन भक्ति, जिस पर मैं विथ म्यूज़िक अपनी आवाज़ में भजन रिकॉर्ड करके समय समय पर डालती हूँ। आप लोग भी उस भजनों को ज़रूर सुने, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और मैं जैन धार्मिक चैनल को अनुरोध करूंगी कि वो हर साल ऐसे ही प्रतियोगिता कराएं, जिसके कारण संगीत के प्रति रुचि रखने वालों को एक मौका ज़रूर प्राप्त हो। जय जिनेन्द्र।